बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की खास खबर। दिल्ली से पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होने आया था राहुल, लेकिन नेक न थे इरादे, पुलिस ने पकड़ा। वाराणसी मुखबिर की सूचना पर शनिवार को मंडू आरडीहर थाने के SI अजय दुबे ने अपनी टीम के साथ राहुल कुमार निवासी नेहरू कुटिया मलकागंज नॉर्थ दिल्ली FCI गोदाम के पास से चोरी के आधा दर्जन स्मार्ट मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। वह दिल्ली भागने के फेर में था। इस संबंध में HO संजय त्रिपाठी ने बताया कि दिल्ली निवासी अभियुक्त गैंग का सरगना है। इसके गैंग में और भी लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में भीड़ भाड़ वाले स्थान से मोबाइल चोरी करते हैं। पकड़े गए अभियुक्त की क्राइम हिस्ट्री की जानकारी दी जा रही है। पूछताछ में राहुल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान उसने मोबाइल पार्क किए थे। बरामद मोबाइल में एप्पल सहित आधा दर्जन महंगे मोबाइल हैं। पुलिस ने सभी मोबाइल को स्विच ऑन किया, लेकिन पैटर्न लॉक होने की वजह से वह नहीं खुल सके तो उन्हें पुनः स्विच ऑफ कर दिया गया। बरामद मोबाइल के मालिकों से पुलिस ने संपर्क करने का प्रयास किया। केवल एक परिवार के लिए एक परिवार द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी है कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के शुरू सप्ताह से ही लगातार लोकसभा चुनाव प्रचार में भिड़े हुए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में हर रोज 3 से 4 सभाएं संबोधित करते हैं। लोगों के संवाद के आधार पर उनका पूरा विश्वास है कि उनकी सरकार के खिलाफ कोई हवा नहीं है और वे सत्ता में वापस लौट रहे हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस केवल एक परिवार के लिए एक परिवार द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी है। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच मुंबई में उन्होंने प्रदेश के सबसे बड़े मीडिया हाउस लोकमत के साथ बातचीत। उनका मानना है कि कांग्रेस केवल एक परिवार के लिए एक परिवार द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी है। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर देखने को मिली थी, जिसे कुछ लोगों ने सुनामी तक कह डाला था। क्या आपको लगता है कि देश में अभी भी मोदी लहर मौजूद है? कन्हैया कुमार को लेकर युवाओं में उत्साह, RJD और BJP को दे रहे कड़ी टक्कर। बिहार के बेगूसराय में चौथे चरण में सोमवार 29 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। JDU और छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया और BJP के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के कारण यह सीट लगातार चर्चा में बनी हुई है। महागठबंधन से यहाँ डॉक्टर तनवीर हसन मैदान में है। वह पिछली बार दूसरे नंबर पर थे। बेगूसराय के पोखरिया में 27 अप्रैल को चुनाव प्रचार खत्म होने के बावजूद युवाओं का मजमा लगा हुआ था। लोकमत से बातचीत के दौरान यह पता चला है कि दलितों का कहना है कि इस बार वो कन्हैया कुमार को वोट देंगे। पोखरिया में बड़ी आबादी पासवानों की है, लेकिन वे NDA में शामिल रामविलास पासवान के समुदाय में आने के बावजूद उन्हें सपोर्ट करते नजर नहीं आते हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।